नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गति और समय के बारे में। आज का ये वीडियो लेक्चर प्रोजेक्ट अग्नि 40+ के तहत हो रहा है और ये कैसा, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक साइंटिफिकली डिजाइंड डे वाइज मॉड्यूल है GS के लिए। इस प्रोजेक्ट का मकसद है आप स्टूडेंट्स की मदद करना ताकि आप 40 से अधिक अंक हासिल कर पाएं अपने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में SSC CGL के एग्जाम में। ये वीडियो लेक्चर हिंदी माध्यम में, बट आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर सेम टॉपिक इन इंग्लिश एज वेल, ताकि वैसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में खुद को अधिक कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो उस वीडियो को आसानी से इस टॉपिक को समझ पाए। सो बिना समय बर्बाद किए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है। मान लेते हैं कि ए है, एक जगह है और दूसरा जगह हमारा बी है और हमें जाना है, और हम लोग कौन से पाथ से जाते हैं, तो हम लोग इस पाथ से होते हुए ए से बी के पास पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल पाथ है जिससे होकर के हम ए से बी तक पहुंचे हैं, इसका जो दूरी होगा, इस पाथ का जो लंबाई होगी, ये हमें बताएगी कि हमारी दूरी या डिस्टेंस क्या है। लेकिन ए और बी के बारे में, के बीच में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ए और बी के बीच का जो सबसे कम दूरी है वो होगा ये, और ये जो है वो हम लोग को ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा। तो आप अंतर समझिएगा कि डिस्टेंस हम लोग तब कहेंगे या दूरी तब कहलाएगी जब जिस पाथ पे एक्चुअली चला है कोई पर्सन, तो उस पाथ का जो लेंथ होगा वो हमारी दूरी कहलाएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट उस दो पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई है, आप जिस पाथ से गए हैं उसकी जो लंबाई है उसे हम लोग दूरी कहते हैं, और आपका जो दूरी है वो एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। अब स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, तो वैसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मान होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और आपका दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की अगर हम लोग बात करें, तो चूंकि आपका डिस्टेंस लेंथ का यूनिट है, इसीलिए आपका डिस्टेंस का इकाई मीटर होता है, जो कि लेंथ का यूनिट है। अगर हम लोग डायमेंशनल टर्म में बात करें, तो इसका डायमेंशनल होता है m0l1t1। यहाँ l लेंथ को डिनोट कर रहा है, और चूंकि इसका यूनिट मीटर होता है, इसीलिए हम लोग l की पावर 1 लेते हैं। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी वस्तु के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है, उसी सबसे छोटी दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि आपकी दूरी जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट की बात करें, तो जो दूरी की होती है वही आपकी विस्थापन की होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की होती है। सो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर होगी, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t0। आप यहाँ पे फिगर से भी देख सकते हैं, ए और बी से पहुंचने के लिए हम लोगों ने इस पाथ का इस्तेमाल किया, तो इस पाथ जो है उसका दूरी, उसका जो लेंथ है वो हमें डिस्टेंस बताएगा, और ए और बी के बीच में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ये बात हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि स्पीड किसे कहते हैं एंड वेलोसिटी किसे कहते हैं। स्पीड अर्थात गति, वेलोसिटी अर्थात वेग। ठीक है, तो कोई भी वस्तु एक सेकंड में जो दूरी तय करता है उसे ही उस वस्तु का क्या कहते हैं, गति कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी दूरी निकलेगी वो आपके मीटर पर सेकेंड में या किलोमीटर पर सेकेंड में निकलेगी, पर ऐसा हो सकता है कि हम लोग किलोमीटर पर आर में भी निकालें। तो बेसिकली गति किसे कहेंगे, तो एक निश्चित दूर, एक निश्चित समय में जितनी दूरी आपके कोई ऑब्जेक्ट तय करेगी वही हमें स्पीड देगी। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम, उसको कर देंगे डिस्टेंस बाय टाइम, ये हम लोग को क्या दे देता है, स्पीड देता है। और स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। जबकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टाइम, दोनों सेम ही है, बस अंतर यह है कि इस केस में हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट यानी कि सबसे छोटी दूरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उसके बीच की लेते हैं, डिवाइड बाय टाइम। और चूंकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप याद कर सकते हैं एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, और वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेक्टर
जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यूनिट की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस का यूनिट लेंथ, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड। इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी का आपका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और डायमेंशनल टर्म में बात करें तो m0 l1 t-1 होता है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे चलने पर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड समय के हिसाब से नहीं बदल रहा, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। और वही अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और हर थोड़ी थोड़ी देर पर उसका मोशन चेंज करता है, उसकी स्पीड बदलती है, तो हम कहते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है। जैसे अगर यहाँ पे चल रहे तो हर एक 5 मिनट पे अगर वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है हर एक 5 मिनट पे, तो हम लोग कहेंगे कि वो आपका यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। वही अगर 5 मिनट पे कभी 10 मीटर की दूरी तय किया, कभी आपका 20 मीटर की दूरी तय किया, कभी 30, तो कभी 5 मीटर की दूरी तय किया, तो चूंकि एक निश्चित समय में आपका अलग अलग दूरी तय कर रहा है, आपका स्पीड सेम नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस है, और वो कि एक में स्पीड कांस्टेंट रहता है और एक में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता। यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपका जो एवरेज स्पीड होता है यानी औसत गति, वो आपके एक्चुअल स्पीड के बराबर होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म के मोशन में ऐसा नहीं होता। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज आपसे पूछा जा सकता है कि किस मोशन में एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड दोनों के दोनों बराबर होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में ऐसा होता है। अब हम लोग एक ग्राफ देखेंगे, और ये ग्राफ किसके किसके बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने वाई एक्सिस में प्लॉट किया है, मीटर में इसको लिया है, और हम लोगों ने टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, उसे हम लोग सेकेंड में ले रहे हैं। तो जब एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, देन ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा और आपका सेंटर से पॉइंट आउट करेगा, जीरो से चलेगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरुआत करता है तब। और इसका जो ग्रेडियंट होगा वो हमको बताएगा कि आपका वेलोसिटी क्या होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हम लोग को वेलोसिटी देता है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि किसी के सापेक्ष में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि वस्तु बी का आपका वेलोसिटी, अब हम लोग अगर चाहें तो वेलोसिटी, अगर रिलेटिव वेलोसिटी बी का निकालना चाहें तो हम लोग बी का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में या फिर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लेकर के, ठीक है। तो वो यही बताएगा कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो इसके रिस्पेक्ट में बी आपका कितने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, या अगर मूव कर रहा है ए तो इसके रिस्पेक्ट में भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा कि किसी वस्तु वी का जो आपका चलायमान है अथवा स्थिर वस्तु ए के संबंध में उसका वेग, सापेक्ष वेग क्या होगा, वो बताएगा कि समय के साथ जो बी है वो आपका किस हिसाब से परिवर्तन कर रहा है, यानी कि अगर ए या तो मूव कर सकता है तो स्टेशनरी रहता है, तो इसके रिस्पेक्ट में बी कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करता है, वही बी की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी ए के कंटेक्स्ट में। अगर ए और बी दोनों के दोनों हमारे एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और हमें ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, और हम मान लेते हैं कि ए की रिलेटिव वेलोसिटी यू, ए की वेलोसिटी यू है और बी की वेलोसिटी बी है, और हमें ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में जब दोनों के दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, तो ए की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, यू माइनस बी। और अगर हमें बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में, तब वो क्या हो जाएगी, तब वो हो जाएगी बी माइनस यू। तो याद रखिएगा कि जिसका के रिस्पेक्ट में भी वेलोसिटी हमें निकालना है, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका वेलोसिटी उससे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये भी संभव हो सकता है कि हमारा जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो दो अलग अलग दिशा में मूव करेगा, हो सकता है ए जो है वो हमारा आगे जाए और बी जो है वो हमारा पीछे जाए, और यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी यू है इसकी वेलोसिटी बी, तो ए की वेलोसिटी बी के मुकाबले या बी की वेलोसिटी ए के मुकाबले क्या हो जाएगी, यू प्लस बी, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी दे देगी ए और बी। अब देखते हैं स्पीडोमीटर किसे कहते हैं। तो स्पीडोमीटर जो है एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम
गति को मापते हैं, एक व्हीकल जो है, एक आपकी गाड़ी किस स्पीड से जा रही है, उसके स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वही एक व्हीकल आपका कितना दूरी ट्रैवल करती है, इस दूरी को मापने का जो हमारा यंत्र है उसे हम लोग बोलोमीटर कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण की। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन समझते हैं कि होता क्या है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी बदल रहा है समय के साथ, तो हम कहेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन है क्या, तो टाइम के साथ वेलोसिटी के में जो चेंज आता है उसी के रेट को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। किसी भी वस्तु की समय के साथ उसके वेग में जो परिवर्तन का जो दर होता है, उसी दर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण कहते हैं। और एक्सेलरेशन भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और इसके पास डायरेक्शन दोनों के दोनों मौजूद होता है। अगर इकाई के बारे में बात करें तो इसका इकाई होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l1 t^-2। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है यानी ऋणात्मक त्वरण, उसको हम लोग अवत्वरण यानी कि डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। लेकिन आप ये समझिएगा कि जो ऋणात्मक त्वरण है यानी कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब गतिरोध अर्थात गति का रुकना या कम होना बिल्कुल नहीं होता। ये हो सकता है कि शुरू में आपका जो वेलोसिटी है बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और अभी मतलब 5 m/s² के स्पीड से आप मतलब के उस एक्सेलरेशन से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। एक टाइम आ सकता है कि आपका 4 से आपका बढ़े, 4 m/s² से बढ़े, या हो सकता है कि 3 m/s² के हिसाब से बढ़े। लेकिन इन दोनों ही केसेस में आपका वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम नहीं रहा है। हाँ, उसके बढ़ने का रेट जरूर घट रहा लेकिन वो कम नहीं रहा है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि डी एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी के रेट का बढ़ना कम सकता है, लेकिन वेलोसिटी का घटना ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों दो अलग अलग बातें हैं। डी एक्सेलरेशन का मतलब गति, एक्सेलरेशन का कमना, वेलोसिटी का कम गति से बढ़ना, जबकि रिटार्डेशन का मतलब होता है गति में कमी आना। अब हम लोग कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा तब फिर वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ किस तरीके का दिखेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमारा एक्सेलरेशन बढ़ता है तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ओरिजिन से निकलेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि धीरे धीरे इंडिकेट करे कि जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी तेजी से बढ़ रहा है। वही अगर एक्सेलरेशन घटेगा तो क्या होगा कि ऊपर से जाके फिर झुकाव होने लगेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ ग्राफ झुकता हुआ प्रतीत होगा। और अगर गतिरोध होगा, गतिरोध यानी कि वेलोसिटी समय के हिसाब से कमेगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देखने को मिलेगा कि समय के साथ आपका वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे ग्राफ है। अब हम लोग बात करेंगे कि गैलीलियो ने कुछ इक्वेशन दिए कि अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, तब 3 इक्वेशन उन्होंने दिए। हम लोग मान लेते हैं किसी भी वस्तु का जो इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत का उसका जो वेग है वो u है, और वो टी सेकेंड्स में कितनी दूरी चल पाता है, तो एक्स दूरी चल पाता है, और चलने के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो बदल करके v हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास 3 इक्वेशन होते हैं। क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है हमारा x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारा तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये याद रखिए, ये एक्सेलरेशन के ये जो तीनों इक्वेशन है ये तभी एप्लीकेबल है अगर हमारे एक्सेलरेशन का वॉल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, यानी समय के साथ एक्सेलरेशन अगर नहीं बदलता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों इक्वेशन एप्लीकेबल है। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, x यहाँ पे दूरी है जो कि कोई भी वस्तु t सेकंड्स में ट्रैवल करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो अगर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन पे चलने की जगह पे एक सर्कुलर मोशन में चलेगा, एक सर्कुलर पाथ पे चलेगा। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी अगर स्पीड का वैल्यू नहीं बदलेगा, तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है एक पर्टिकुलर एक्सिस में एक डेफिनेट पॉइंट यानी एक सेंटर के अराउंड,
तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर समान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति के लिए जरूरी है कि आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ यानी पे मूव करे, वृत्तीय पाथ पे मूव करे, और आपका जो स्पीड का वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे आपका डायरेक्शन लगातार बदलेगा क्योंकि आपका पाथ सर्कुलर है, लेकिन स्पीड का वैल्यू या आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन, जब कभी भी आपका सर्कुलर पाथ होता है तब, या रोटेशनल मोशन होता है, उस समय हम लोग नॉर्मल या लीनियर वेलोसिटी की बात न करके हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करते। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी अर्थात कोणीय वेग की। जब कभी भी आपका मोशन रोटेशनल होता है यानी कि घूर्णन क्रिया होती है, घूर्णन गति होती है, तब आपका क्या होता है कि आपके हर एक पार्टिकल के द्वारा यूनिट टाइम में जितना एंगल कवर किया जाता है उसे ही हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल जो है वो आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो मूव करने के कारण हम जानते हैं कि एक सर्कुलर पाथ होता है तो वो 360 डिग्री बनाता है। तो एक पार्टिकल शुरू में मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ से वो टी सेकेंड में या एक सेकेंड में वो यहाँ तक पहुँचा, तो इस दौरान उसके एंगल में जो चेंज आया है, मान लेते हैं थीटा चेंज आया है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, उसका एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। तो किसी भी रोटेशनल मोशन में एक पार्टिकल यूनिट टाइम में जितनी एंगल कवर करता है या एंगल टर्न करता है उसे ही हम उसका एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अगर मान लेते हैं टी सेकेंड्स में एक पार्टिकल थीटा एंगल से रोटेट कर जाता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा थीटा अपॉन टी, जैसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हमेशा ओमेगा से डिनोट किया जाता है, थीटा का यूनिट रेडियन होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। हम लोग अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसका जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में जिस प्रकार का चेंज आता है टाइम के साथ उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि आपका एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ जो परिवर्तन आएगा उसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। इसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और वो किसके बराबर होता है, डेल्टा ओमेगा ऑब्लिक डेल्टा टी, जहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में चेंज दिखाता है, डेल्टा टी टाइम में चेंज दिखाता है। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी किस प्रकार रिलेटेड है, तो लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। रेडियस जिस सर्कुलर पाथ पे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका रेडियस है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और r उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन और आपका लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में निकालना है रिलेशन, तो कुछ इस प्रकार का होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन ऑब्लिक r यानी कि रेडियस डिवाइड बाय रेडियस। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की। तो एक पार्टिकल जब कभी भी वो आपका सर्कुलर पाथ में या सर्कल में मूव करता है तो क्या होता है, वो एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन r, और ये जो एक्सेलरेशन है ये किसकी तरफ लगता है, तो आपका सेंटर की टुवर्ड्स लगता है, और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स ही लगता है, और इसका वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r है, जहाँ पर v वेलोसिटी है या स्पीड है का वैल्यू है जिससे कि आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और r जो होता है वो आपका रेडियस होता है। सो ये हमें ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ ही काम करेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा एक समान रहता है, वो कभी नहीं बदलता, लेकिन चूंकि एक पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है इस कारण उसकी दिशा हमेशा बदलेगी, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू, उसका परिमाण वो हमेशा सेम रहेगा, और वो वी स्क्वायर अपॉन आर रहेगा, जहाँ पर वी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है जिससे वो मूव करता है, और आर जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ उसका रेडियस है। और मैंने पहले ही बता दिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा।
अब कहाँ कहाँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगता है, तो अगर कोई वस्तु जो है वो आपका किसी ऑर्बिट पे, किसी सर्कुलर पाथ पे, किसी कक्ष में मूव कर रहा है, अगर हम लोग कार चलाते हैं तो कार चलाते वक्त अगर राउंड अबाउट आता है तो उसके अराउंड अगर कोई कार मूव करता है वहाँ पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगता है। अगर हम लोग किसी घूमते हुए ऑब्जेक्ट पे, घूमते हुए किसी चीज पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है, एक रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस करता है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़े होते हैं वो भी आपके सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की, हम लोग कुछ देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करें तो फोर्स बेसिकली निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और चूंकि हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स यानी कि अभी केंद्रीय बल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो हम लोग जानते हैं मास अगर एम है ऑब्जेक्ट का और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, सो सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एक सर्कुलर पाथ पे इस तरह की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, लेकिन जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। अगर ये हमारा सेंटर है तो चाहे पार्टिकल नीचे क्यों ना जा रहा हो, साइड में क्यों ना जा रहा हो, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होगा। ये हमारे सर्कुलर मोशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले आप समझिए कि एक स्यूडो फोर्स होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि अगर डिटेल में बात करने लगे तो कुछ खास फायदा नहीं है सीजल पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आप इतना याद रखिएगा कि एक आभासी फोर्स है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेते हैं। ठीक है, तो ये एक स्यूडो फोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होता है उसका वैल्यू, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। जिस प्रकार सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रीम को सेपरेट करने के लिए हम लोग ड्रायर वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, वो सारे भी आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पर ही वर्क करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, बस डायरेक्शन में अंतर होगा। सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होता है लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जो है उसके ऑपोजिट काम करेगा। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है। न्यूटन के पहले लॉ के हिसाब से अगर हमारा कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है और ये बॉडी हमारा रेस्ट में, यानी इसमें कोई मोशन नहीं है, या फिर अगर एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी एक गति से एक पर्टिकुलर स्पीड से चलता चला जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, या अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा, तब तक ऐसा रहेगा जब तक कि बाहर से कोई उस पर फोर्स हम लोग नहीं लगाए। अगर बाहर से उसका फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी ये जो अवस्था है वो बिल्कुल नहीं बदलेगी। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसे कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दे मीन द सेम थिंग। यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि ठीक है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो तो समझ में आता है कि वो रेस्ट के रेस्ट में रहे, लेकिन बहुत बार हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे ही यूनिफॉर्म मोशन में वो रोल करता है लेकिन फिर रुक क्यों जाता है, वहां पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते। तो वहां पे भी एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, तो कॉन्टैक्ट में रहने के कारण वहां पे एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन काम करता है। इसी के कारण आपका ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में वो रेस्ट में आ जाता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट लगातार बस मोशन में ही रहता, और यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। आपने और इसके बहुत सारे उदाहरण है जो कि आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते होंगे। आप देखते होंगे कि जब भी कार को तेजी से मोड़ा जाता है तो चालक का शरीर जो है वो उसी दिशा में एकदम चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो हमारा बॉडी जो है वो आपके रेस्ट में है या उसी के साथ मोशन में है, तो जिधर जाएगा उधर हमारा शरीर मूव कर जाएगा।
उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं कि कार को अगर अचानक से रोका जाता है तो हमारा शरीर क्या होता है, आगे की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर मोशन में है और वो आगे बढ़ने की टेंडेंसी में है। तो इसीलिए चूंकि उसके पास आगे बढ़ने का ही टेंडेंसी है, इसलिए अचानक से जब रोक भी दिया जाता है तो हमारा शरीर जो है वो आगे की तरफ जाता है, क्योंकि वो आगे जाने के स्टेट में है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। इसीलिए जब अचानक से कार को रोकते हैं तो हमारा शरीर आगे की तरफ झुक जाता है। उसी तरह अगर एक बॉल जो है वो हील से हम लोग नीचे की तरफ करते हैं तो वो आपका रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, तो लगातार वो उसी मोशन में चलता चला जाएगा। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर हमारे बहुत सारे बर्तन अगर टेबल क्लॉथ के ऊपर रखा हुआ है तो हम लोग अगर तेजी से टेबल क्लॉथ को अगर खींचने की कोशिश करें तो वो निकल जाएगा और उस पर जो बर्तन रखा है उस पर कोई आंच नहीं आएगी। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपके जो डिशेज हैं वो आपके क्या है, वो आपके रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, वो आपके मोशन में नहीं आना चाहते। और इसीलिए अगर हम अचानक से टेबल क्लॉथ निकालते हैं तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और इस कारण आपका जो डिशेज है, जो बर्तन है, वो वैसे की वैसे रहती, उनमें कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। तो ये है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई बाहरी बल ना लगे तब तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका समय के हिसाब से उसके लीनियर मोमेंटम में जो बदलाव आता है, ठीक है, समय के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में जो बदलाव आता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो उस ऑब्जेक्ट पे जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो उसी डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम बदलेगा जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शुरू में इसका लीनियर मोमेंटम mv है, बाद में इसका लीनियर मोमेंटम m1v1 हो गया, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आया है t टाइम में, तो ये जो चेंज आएगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो जो इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर ज्यादा फोर्स लाएंगे तो ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कम परिवर्तन देखने को मिलेगा। और किस दिशा में परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो जिस दिशा में हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उस दिशा में। The force is equal to delta P oblique delta T, जहाँ पे delta P हमें क्या दिखाता है? हमें बताता है कि आपका linear momentum में क्या परिवर्तन है, ठीक है? P denote करता है momentum को, delta denote करता है change को, और momentum बराबर होता है mass into velocity, चूंकि mass आपका नहीं बदलता है generally, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं m delta V, ठीक है, oblique delta T, जहाँ पे delta T time में change दिखाता है, और velocity का बदलना with respect to time, इसे हम लोग क्या कहते हैं? Acceleration कहते हैं। So आपका force किसके बराबर हो जाएगा? Mass into acceleration के बराबर हो जाएगा। इसके कारण हम लोग लिख सकते हैं कि force बराबर होता है mass into acceleration। So इसका एक formula है, आपको याद होना चाहिए कि force बराबर होता है mass into acceleration। और न्यूटन के दूसरे नियम पर भी आधारित बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक कार को और एक ट्रक को ढकेलते हैं तो दोनों को अगर हम लोग समान फोर्स से अगर ढकेलते हैं तो आपका कार जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेट कर पाएगा और ट्रक कम एक्सेलरेट करेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि कार का वजन, कार का मास कम होता है और ट्रक का मास अधिक होता है। अगर हमारा फोर्स जो है वो दोनों केस में हम लोग समान लगा रहे हैं तो समान लगाने के कारण क्या होगा कि हमारा जो मास है और हमारा जो एक्सेलरेशन है इसके प्रोडक्ट भी हमारे कांस्टेंट होंगे, क्योंकि आपका मास कार का कम है और ट्रक का ज्यादा है, तो इस कारण कार का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और ट्रक का चूंकि मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। इसलिए समान बल लगाने पे कार ज्यादा एक्सेलरेट होगा और ट्रक कम एक्सेलरेट होगा। उसी तरह से हमें अगर भरी हुई कोई शॉपिंग कार्ट है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है कम वाले के मुकाबले। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा होने पे एक्सेलरेशन ज्यादा करने के लिए हम लोग को फोर्स भी ज्यादा लगाना होता है। इसीलिए आपके भारी जो शॉपिंग कार्ट है उसको धकेलने में हमें अधिक बल लगता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में। न्यूटन का तीसरा नियम बहुत ही फेमस है और यह कहता है कि किसी भी क्रिया के बराबर आपकी प्रतिक्रिया होती है।
ठीक है, और अगर बराबर इन द सेंस उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है, लेकिन जो रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है। कोई भी आप एक्शन करते हैं तो उसके बराबर और अपोजिट एक रिएक्शन भी होता है, हर एक क्रिया के बराबर और उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्रिया और प्रतिक्रिया ये कभी भी एक साथ किसी एक वस्तु पर नहीं होती है। अगर क्रिया हमारी एक्शन एक वस्तु ए पे होगी तो उसकी जो प्रतिक्रिया है वो दूसरे वस्तु वी पर होगी। कभी भी एक्शन और रिएक्शन दोनों के दोनों ए पर या दोनों के दोनों बी पर कभी नहीं होंगे। जब भी ये होंगे तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाला जो आपका फोर्स होगा वो आपका जीरो हो जाएगा और हमारा वस्तु जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और अगर मान लेते हैं कि हमारा जो एक्शन है और रिएक्शन दोनों के दोनों एक ही वस्तु पर होगा, देन नेट फोर्स जो ए पे लगेगा वो जीरो हो जाएगा और हम लोग कहेंगे कि आपका ए इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब बहुत सारे उदाहरण है इस थर्ड लॉ के, जैसे हम लोग चल पा रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम एप्लीकेबल है। क्योंकि जब हम लोग चलते हैं तो हम अपनी जो धरती है जिसपे हम लोग चल रहे हैं उसको पीछे की तरफ हम लोग धकेलते हैं, और धकेलने के कारण हमारे जो हम जो एक्शन करते हैं पीछे की तरफ धकेलते हैं तो उसके कारण भूमि भी हमें धक्का देती है। लेकिन चूंकि हम पीछे की तरफ धकेलते वो हमें आगे की तरफ धकेलती और उसी फोर्स के साथ धकेलती है जिसके कारण हम चल पाते हैं। अगर ये जो लॉ है वो वैलिड नहीं रहता, अगर हमें पृथ्वी आगे की तरफ धक्का नहीं देती तो हम चल नहीं पाते। उसी तरह से तैराकी करते वक्त हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और पीछे की तरफ धकेलने से क्या होता है कि आपका पानी हमें रिएक्शन देता है और वो हमें आगे की तरफ धकेलता है और इसके कारण हम तैर पाते हैं। जब एक व्यक्ति जो है वो, अगर आपने देखा होगा कि नाव से अगर नदी के किनारे पर वो छलांग लगाता है तो आप क्या नोटिस करते हैं कि नाव का जो अपना पैर से वो पीछे की तरफ उसे ढकेलता है, ठीक है। और जो तो क्या करता है, नाव भी व्यक्ति पर बराबर का बल लगाती है और जिसके कारण वो व्यक्ति जो है वो आगे की दिशा में बढ़ता है, ठीक है। छलांग लगाने के दौरान क्या होता है कि नाव से व्यक्ति पैर से अपने पीछे को नाव को ढकेलता है और नाव उस पर आगे की तरफ फोर्स लगाती है और इसके कारण व्यक्ति आगे की तरफ जा पाता है। तो हम लोग चलना, हमारा तैराकी, ये सारे के सारे न्यूटन के तीसरे नियम जो कि कहता है कि हर एक एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, उस पर आधारित है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको न्यूटन के ये तीनों लॉ समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मोमेंटम की। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जिस समय न्यूटन का सेकेंड लॉ हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पे लीनियर मोमेंटम की हम लोगों ने चर्चा की थी। तो मोमेंटम यानी कि संवेग क्या होता है, तो ये कुछ नहीं बल्कि प्रोडक्ट होता है किसके किसके बीच का, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास एम है और उसका वेलोसिटी बी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पता चल जाएगा। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी के कारण आपका जो मोमेंटम होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मास का यूनिट और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सो इसका यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, और इसका दूसरा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। और लिखेंगे हम लोग इसे कैसे डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, और ये बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के। अब हम लोग बात करते हैं आवेग अर्थात इम्पल्स के बारे में। अगर मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल पे उस पर बहुत लार्ज फोर्स एफ जो है वो काम करता है, तो ये जो फोर्स है और इस टाइम जो छोटे से टाइम इंटरवल जिसमें कि फोर्स काम किया, इसका जो गुणनफल होगा वो हमें क्या दे देगा, वो हमें आवेग अर्थात इम्पल्स देगा। अगर छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई होता है तो इस फोर्स और इस टाइम इंटरवल इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग आवेग कहते हैं अर्थात इम्पल्स कहते हैं। और ये किस तरह का क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके यूनिट की बात करें तो न्यूटन सेकेंड होगा और केजी मीटर पर सेकेंड होगा। इसका यूनिट और मोमेंटम का यूनिट दोनों बराबर होता है। अगर हम लोग मोमेंटम और इम्पल्स के बीच में रिलेशन चाहें तो कुछ इस प्रकार, इम्पल्स किसके बराबर होता है, तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर। सो इम्पल्स एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी ऑब्लिक डेल्टा टी। डेल्टा पी को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम को मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। हम लोग डेल्टा टी को इधर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, हो जाएगा फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी।
सो ये हमारी बात हो गई किसके बारे में, आवेग के बारे में। और अब हम लोग बात करते हैं आगे, और अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम की। संवेग संरक्षण का नियम जो है वो हमें कहता है कि अगर हमारा कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारे पास दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, दो या दो से अधिक बॉडीज हैं, तो अगर इन तीन ये सिस्टम जो है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, टकरा सकते हैं, अगर इन पे ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे उसको इंटरनल फोर्स कहेंगे, और अगर इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स अगर नहीं लगेगा तो हम कहेंगे कि इसका जो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, इसका नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी और सी है तो ए का मोमेंटम बदल जाए, बी का मोमेंटम बदल जाए, सी का मोमेंटम बदल जाए, लेकिन इन तीनों का जो जोड़ होगा वो आपका समान रहेगा। तब तक समान रहेगा जब तक कि कोई बाहरी फोर्स इस पे नहीं लगता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। अब मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और ये रिलेशनशिप क्या है, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं, तो ऊर्जा जो कि स्पीड के कारण यानी गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, और वो किसके बराबर होती है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, जहाँ एम मास है, वी वेलोसिटी स्क्वायर है। हम अगर चाहें तो हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई, तो ऊपर एम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एम, और हम लोग जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी को प्रोडक्ट हमको मोमेंटम कहते हैं, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर अपॉन एम लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी बराबर हाफ p स्क्वायर m, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आ जाएगा 2e, और ये आपका p स्क्वायर बटा 2m है, सॉरी, तो e इज इक्वल्स टू हाफ p स्क्वायर अपॉन m, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 2em इज इक्वल टू p स्क्वायर, सो p इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट 2me, और इस तरह से आपका मोमेंटम और आपका एनर्जी रिलेटेड है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की, जिस समय मैं आपको बता रही थी वॉकिंग और बाकी सारी चीजों के बारे में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो मैंने कहा था कि एक फोर्स है जिसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं वो आपका एप्लीकेबल होता है। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि तब लगता है अगर दो सतह एक दूसरे के बीच में कॉन्टैक्ट में है। अगर दो सतह जो है, मान ली ये सतह है और ये सतह, अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है कि स्पर्श में है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और हमेशा जो फ्रिक्शन है जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें जो फ्रिक्शन है वो आपका पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। ये हमेशा आपके रिलेटिव मोशन को रोकता है, और इस तरह के फोर्स का नाम क्या दिया गया, फ्रिक्शन दिया गया। इसे हम लोग घर्षण बल के भी नाम से जानते हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे आवर्ती या फिर आपके पीरियोडिक या फिर ऑक्सिलेटरी मोशन की, ठीक है। अगर कोई वस्तु हर एक निश्चित अंतराल के बाद अगर वो अपनी गति को दोहराए तो हम क्या कहेंगे कि वो जो वस्तु है उसकी गति आपकी ऑक्सिलेटरी मोशन है या फिर आपका पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो हर एक थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी गति को रिपीट कर रहा है। और सबसे अच्छा उदाहरण है पेंडुलम। पेंडुलम अगर इस तरह का दिखता है, और पेंडुलम में हम लोग क्या देखते हैं, अगर आपका यहाँ से तो एक बार पेंडुलम यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ लौटेगा, फिर यहाँ से अपने दूसरे एक्सट्रीम पे पास जाएगा, और फिर वापस से आ जाएगा, और फिर वापस से इसी तरह की प्रक्रिया करती रहेगी। तो हम लोग देखते हैं कि एक निश्चित समय अवधि के बाद वो अपनी जो मोशन है उसको रिपीट करता है, और इस तरह के मोशन जो कि हर एक सर्टेन इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन या फिर ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दीवार घड़ियां हैं जिसमें आपके पेंडुलम का आज भी उपयोग किया जाता है, और पेंडुलम ऑक्सिलेटरी मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन का उदाहरण है। पेंडुलम क्या होता है, दिखने में कैसा होता है, तो पेंडुलम में आपकी एक स्ट्रिंग होती है और उसमें आपका एक बड़ा सा गोल जैसी चीज जो है वो फिक्स रहती है, जैसे हम लोग बल्ब के नाम से जानते हैं, और जो लेंथ में लंबा सा रहता है छड़ी उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो अब वो किस तरह की गति करता है, आपका पेंडुलम बीच में होता है तो पहले वो अपने एक एक्सट्रीम के पास जाता है, और उसके बाद फिर से वो अपने वापस से जो मेन पोजीशन है वहां पे जाता है, फिर वापस से अपने सबसे एक्सट्रीम के पास जाता है, फिर अपने मेन पोजीशन पे आता है। तो इस तरह की गति वापस से गति चलते रहेगा। बीच वाले पोजीशन को हम लोग मेन पोजीशन कहते हैं, और साइड साइड वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीम, जहां तक वो मैक्सिमम जा पाता है, ठीक है, उसे हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं।
और जब आपका पेंडुलम एक अपने मीन से हट करके एक्सट्रीम के पास जाता है, फिर एक्सट्रीम से अपना वापस से दूसरे स्ट्रीम पे जाता है, फिर वापस से एक्सट्रीम पे जहाँ से उसने शुरुआत की थी वहां पर पहुंच जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि एक ऑक्सिलेशन हो गया, यानी एक्सट्रीम से शुरुआत करके वापस एक एक्सट्रीम के पास पहुंच गया, यानी कि एक ऑक्सिलेशन हो गया, ठीक है। और एक ऑक्सिलेशन करने में इतना समय एक लगता है पेंडुलम को, उसे हम उसका क्या कहते हैं, आवृत काल, यानी कि टाइम पीरियड कहते हैं। जो समय लगता है एक आपका फुल ऑक्सिलेशन कंप्लीट करने के लिए, उसी पीरियड को हम लोग उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की मोशन और गति की, यानी गति एवं समय की। मैंने आपको ऑक्सिलेटरी मोशन, मैंने आपको लीनियर मोमेंटम, न्यूटन के तीनों लॉ, गैलीलियो की इक्वेशन फॉर एन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, डिस्टेंस, आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उनका जवाब दे पाएंगे। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।